जिसमें किसी भी कोई किस्सा या कहानी या वाकया को तरतीब के साथ पेश किया जाता है उसी को ही मुख्तसर अफसाना कहा जाता है। ये इंग्लिश लिटरेचर से उर्दू लिटरेचर में गायब हुआ और इसमें पूरी जिंदगी की अकाश नहीं की जाती बल्कि जिंदगी का कोई एक खास वाकया एक खास घटने को इसमें बयान किया जाता है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज प्रेमचंद से हुआ, ध्यान रखना प्रेमचंद से हुआ सन 1908 में, ध्यान रखना। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का जो आगाज है वो प्रेमचंद के जमाने से हुआ। तो हमारे सिलेबस में दो इस मुख्तसर अफसाना के दो सबक रहते हैं, एक मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है जिसका नाम है कौलकाबास, दूसरा जो अफसाना है जिसका नाम है सुरेंद्र प्रकाश का लिखा हुआ विजुबा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाने के बारे में। प्रेमचंद का जो अफसाना है वो एक कोल का पास जिसको कहा जाता है प्रेमचंद का अफसाने को। तो ये कोल का पास क्या है इसके बारे में पढ़ने से पहले हम प्रेमचंद की लिखी हुई जो प्रेम बातें हैं प्रेमचंद की जो सुहाने हैं आज उस पर बात कर लेते हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद का जो असली नाम था वो धनपत राय था। धनपत राय इनका असली नाम था। इनको गांव के अंदर लोग नवाब राय के नाम से भी जानते थे। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था और इनको गांव में नवाब राय के नाम से भी जानते थे। लेकिन अदबी जिंदगी में साहित्य जिंदगी में इनका नाम क्या हो गया प्रेमचंद बन गया। ये ध्यान रखना साहित्य में इनका जो नाम है क्या बन गया प्रेमचंद बन गया। अब प्रेमचंद की जो पैदाइश है वो बनारस के करीब जमलमी गांव में हुई। प्रेमचंद की जो पैदाइश है सन 1880 में बनारस के करीब लमिनी गांव में हुई और इनकी जो वफात है वो 1936 में हुई है। ध्यान रखना इस बात को से लगता है कि प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई और इनकी वफात कब हुई। तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, लोग इन्हें नवाब राय के नाम से भी जानते थे और इनका जो अदबी नाम था वो था मुंशी प्रेमचंद। पैदाइश कब हुई सन 1880 में बनारस के करीब लंगी गांव में। इब्तदाई तालीम वही हासिल करी घर पर ही और बाद में गांव के ही स्कूल में उन्हें इब्तदाई तालीम हासिल की और मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद और फिर इन्होंने बीए का और बाद में तो इन्होंने मुलाजमत जो नौकरी जो शुरू की वो किस नाम से शुरू की किस तौर पर उनके असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से इन्होंने नौकरी यानी मुलाजमत से शुरू की। स्टूडेंट की बात करें हमें अदबी जिंदगी के बारे में साहित्य जिंदगी के बारे में तो इन्होंने जो अदबी जिंदगी है उसमें कदम रखा सन 1901 में। इनकी अदबी जिंदगी का इनकी साहित्य जिंदगी का आगाज हुआ और इन्होंने जो अफसाना लिखा वो था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये सन 1901 में इन्होंने एक मुख्य अफसाने के संग्रह में लिखा था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये 1901 में इन्होंने लिखा और इसी के साथ इनकी अदबी जिंदगी का आगाज हो गया। और जैसे मैंने आपको कहा मुख्तसर अफसाने का जो शुरुआत है वो किसके जमाने से हुई मुंशी प्रेमचंद के जमाने से हुई। इसलिए मुंशी प्रेमचंद को मुख्तसर अफसाने का बानी कहा जाता है बाबा आजम कहा जाता है क्योंकि मुख्तसर अफसाने की जो शुरुआत है उससे पहले नहीं हुई जो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जितने भी अफसाने थे उन सारे अफसानों का जो मजमुआ है जो भंडार है वो तैयार किया। उस मजमुए का नाम किस क्या रखा है ध्यान रखना सोजे वतन। ये याद रखना उर्दू का पहला अफसाना कौन सा था सोजे वतन। उर्दू के पहले अफसाने का जो मजमुआ है वो क्या था सोजे वतन। तो ये सोजे वतन जो है ये उर्दू का पहला अफसाना माना जाता अफसाने का मजमुआ माना जाता है। और मुंशी प्रेमचंद ने नावल भी लिखी है। कल हम इन मुंशी प्रेमचंद की नावल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में जो दे रखा है कौन का पास
ये जो अफसाना है मुक्त अफसाना है, ये अकबर जो मुगल बादशाह अकबर है और एक रघुपत एक राजपूत सरदार है जिसका नाम है रघुपत, इन दोनों के ये दोनों मरकजी किरदार है और इन दोनों के आपस में जो गुफ्तगु है और इनके आपस में जो रंजिश चल रही थी और रंजिश पर दोस्ती में बदल जाती है, ये सारी बातें इसमें दे रखी है। तो इस सभा के बारे में हम कल पढ़ेंगे और मुंशी प्रेमचंद की कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो रह गई है वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। ये मैंने आपको आपको बताया है, ये मुंशी प्रेमचंद की सवाल है यहाँ के कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं। इसमें जो एग्जाम के अंदर जो पिछली बार को कल आया था वो ये आया था कि मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है, ये ध्यान रखना असली नाम इनका धनपत राय था और गाँव वाले जो नवाब राय के नाम से। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना की 1800 की जो पैदाइश होगा वो 1880 में बनारस के करीब लवनी गांव में इनकी पैदाइश हुई।